तारीख की किताबों में वो सारी तफसीलात मौजूद है कि जो लोग कत्ल करने वाले थे वो क्या एलिगेशंस क्या क्या लगाए थे। तो एलिगेशंस आप पढ़िए, हम अख्तल उस्मान पर बहुत सारी तफसील से किताबें लिखी गई हैं, तारीख में वो रिवायतें मौजूद हैं, मतलब हजरत उस्मान पे क्या एलिगेशंस थे, उन पे इल्जाम मतलब उनके खिलाफ जो लोग खड़े हुए उन लोगों ने कहा कि भाई ये वो शख्स हैं जो बदर में शरीक नहीं हुए थे, और ये वो शख्स हैं जो अहद में जो है वो पेट फेर करके भाग गए थे, और ये वो शख्स हैं जो बैत रिजवान में शरीक नहीं हुए थे, और एक इल्जाम ये था कि ये इन्होंने जो है ना वो मदीना में एक चरागाह जो है वो मुसलमानों की वो अपने लिए खास कर ली है, और एक इल्जाम ये था कि मतलब इस किस्म के इल्जाम हैं इसमें। आप जो जो इल्जाम लगाए गए हैं हजरत उस्मान पर, इंशाल्लाह ताला उन इल्जाम का भी हम जायजा लेंगे, तो उसमें जो खुद बलवाई थे यानी जिन्होंने आकर के सहाबे किराम से हजरत उस्मान की शख्सियत पर एतराज किया था, एतराजात तो उन्होंने खुद रखे हैं ना, और खुद उस सहाबे किराम ने उस पर हजरत उस्मान का दिफा किया है। जैसे उनसे कहा गया कि ये वो थे जो बदर में शरीक नहीं थे, एक आदमी आया गालिबन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पास, अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पास अगर मैं गलती कर रहा हूँ, तो उसने कहा कि अच्छा ये बताओ क्या हजरत उस्मान बदर में शरीक थे कि नहीं शरीक थे, तो उन्होंने कहा नहीं शरीक थे। फिर उसने कहा अच्छा ये बताओ क्या हजरत उस्मान ही तो है जो गजवे उहद में भाग गए थे जान बचा करके, तो उन्होंने कहा हाँ भाग गए थे। फिर कहा क्या हजरत उस्मान ऐसे शख्स नहीं है जिन्होंने बैत रिजवान में हिस्सा नहीं लिया, कहाँ हिस्सा नहीं लिया, उसने कहा अल्लाह अकबर, यानी ये वो लोगों में से था जो सबाई था, तो इसने बड़ा अल्लाह अकबर नारा लगाया कि देखो ना ये बदर में शरीक थे और उहद में ये पीठ फेर करके भाग गए और इन्होंने जो है ना बैत रिजवान में भी हिस्सा नहीं लिया, और अल्लाह अकबर बोल करके वो जाने लगा, तो उसको हजरत अब्दुल्ला इब्ने बार ने वापस बुलाया, कहा कि हाँ और मैं तुमको पूरी तफसील बताता हूँ। जहां तक मामला है बद्र का, तो बद्र में तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु तैयार होकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे शरीक होने के लिए, लेकिन क्योंकि अल्लाह के नबी की बीवी रुकैया, अल्लाह के नबी की बेटी और उनकी बीवी हजरत रुकैया जो है वो उनके निकाह में थी और वो शदीद बीमार थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया था। अल्लाह के नबी ने खुद मना किया था कि तुम हमारे साथ बद्र में नहीं चलोगे, बल्कि तुम जो है वो रुकैया की बीमारदारी करोगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोकने ही की वजह से वो वहां पर रुके थे, वरना वो तो बद्र में शिरकत के लिए आए थे। और वाकईतन हजरत रुकैया इतनी बीमार थी कि जब मुसलमानों को बद्र में फतेह मिली है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट करके आए हैं, तो हजरत उस्मान हजरत रुकैया को दफना करके कब्रिस्तान से बाहर आ रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये उनको बद्र में शरीक माना क्योंकि वो अल्लाह के नबी के बोलने से रुके थे, बल्कि बद्र के जो मुजाहिदीन थे उनको जितना हिस्सा माले गनीमत में दिया गया, हजरत उस्मान को इतना हिस्सा माले गनीमत में दिया गया। तो बद्र का मामला ये है। अहद का मामला ये था कि उस वक्त सूरत हाल इस तरह की बनी थी, यानी पूरी तफसीलात आप अगर जाकर के देखें तो शुरुआत में मुसलमानों को फतेह मिली, अचानक जो है वो हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जो पीछे से हमला कर दिया और इतना बड़ा क्याओस हुआ कि सहाबा तीन हिस्सों में तकसीम हो गए। एक सहाबा वो थे, यानी जब ये अफवाह फैल गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, इस अफवाह के बाद सहाबा जो है वो तीन हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ सहाबा तो वो थे जिनको पता था अल्लाह के नबी की वफात नहीं हुई, वो अल्लाह के नबी के पास थे तो वो अल्लाह के नबी का दिफा करते रहे। कुछ सहाबा वो थे जिन्होंने कहा जब अल्लाह के नबी वफात पा गए तो अब हम जिंदा रह करके क्या करेंगे, तो वो दुश्मनों से फिर भिड़ गए, अपनी जान की बाजी लगा दी। कुछ सहाबा वो थे जिनको ये समझ में नहीं आया क्योंकि कोई उनको कमांड करने वाला नहीं था और खबर ये फैल गई थी कि अल्लाह के नबी वफात पा गए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस सूरत में क्या किया जाए, तो वो जो है ना उनको उस वक्त ये मुनासिब लगा कि इस वक्त प्रायोरिटी में यह है कि अपनी जान बचानी चाहिए, तो वो मदीना की तरफ चले ताकि अगर अल्लाह के नबी वफात पा गए तो कम से कम अपनी जान बचा ली जाए। तो ये सहाबा, इनमें हजरत उस्मान भी शरीक थे, और ये कोई ऐसा नहीं कि जंग जारी थी और उस हालत में वो पीठ फेर करके भागे थे। अल्लाह के नबी की वफात के बाद जो क्योस फैला था उसकी वजह से बाद सहाबा को ये लगा कि अब जब अल्लाह के नबी मौजूद नहीं रहे तो जंग एक तरह से अपने अख्ताम पर पहुंच चुकी है, तो इस वक्त प्रायोरिटी में ये हो कि अपनी जान बचा ली जाए, तो मदीना की तरफ चले। हजरत उस्मान उसमें थे, ठीक है हजरत उस्मान की छोटी सी गलती थी, और हजरत उस्मान अकेले नहीं थे, और भी कुछ साहब हजरत उस्मान के साथ थे, पर इन सारे सहाबा के बारे में कुरान मजीद ने कहा अफल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला ने इनको माफ कर दिया है, इनकी माफी का बयान कुरान मजीद में नाजिल हुआ। तो जब ये अल्लाह ताला ने इनको माफ कर दिया है तो हम कौन होते हैं उन पर तनकीद करने वाले। ये दूसरा, तीसरा इल्जाम ये था कि बैत रिजवान में नहीं शरीक थे, तो उन्होंने कहा भाई बैत रिजवान तो हुई हजरत उस्मान की वजह से थी, हजरत उस्मान ही के कत्ल की अफवाह फैल गई जब वो सुलह हुदैबिया में मौके पर जब वो गए मक्का के मुशरिकीन से मिलने के लिए और मक्का के मुशरिकीन ने उनको रोक लिया और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची कि उस्मान कत्ल कर दिए गए, तो उन्हीं के कत्ल का बदला लेने के लिए तो बैत रिजवान हुई थी, और वो शरीक क्या नहीं थे, उनके लिए तो इतने शर्फ की बात है कि जब बैत रिजवान हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ अलग से हजरत उस्मान की तरफ से बैत रिजवान में रखा कि ये उस्मान की तरफ से, और इससे बड़ा शर्फ और क्या होगा कि अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहे। तो जो ये कैसे कोई कह सकता है कि उनके गवर्नरों की वजह से उनकी शहादत हुई, जबकि जो लोग
बलवाई थे जिन्होंने हजरत उस्मान को कत्ल किया, उन्होंने वो इल्जाम रखे हैं। इंशाअल्लाह ताला स्ट्रीम आगे बढ़ेगी तो वो सारे इल्जाम आपके सामने आएंगे कि कौन कौन से इल्जाम लगाए गए। हजरत उस्मान से कहा गया कि इन्होंने एक अपनी चरागाह खास कर ली है, हजरत उस्मान ने उसका जवाब दिया उन बलवाइयों का कि ये जो चरागाह मैंने खास की है भाई, ये मैंने अपने लिए खास नहीं की, ये तो हजरत उमर ने खास की थी, और ये मेरे कोई जाती ऊंट नहीं चढ़ते, मेरे पास तो दो ऊंट है जो मैंने रखे वो मैंने अलग रखे, ये चरागाह जो मैंने मदीना में खास की है ये तो बैतुल माल की ऊंटों के लिए है, और ये काम मैंने पहले नहीं किया है, तो हजरत उमर ने पहले किया था, अब मेरे जमाने में क्योंकि बैतुल माल के ऊंट बढ़ गए हैं, ये मुसलमानों के ऊंट हैं, तो उनके लिए चरागाह मैंने खास किए। तो इस किस्म के जो इल्जाम साबित है, कुछ इल्जाम तो वो है जिनका कोई जो है ना सर पैर नहीं है, झूठी बातें, पर ये कहना कि गवर्नरों की वजह से कत्ल किए गए, तो ये तो जो सबाई थे जो बलवाई थे जिन्होंने कत्ल किया, इन्होंने तो जितने भी इल्जाम लगाए वो हजरत उस्मान ही पर लगाए, और हर हर इल्जाम का जवाब साहब ने दिया है, खुद हजरत उस्मान से अब नेगोशिएशन होने लगा है। ये जो बलवाई आए थे ये तो मतलब पूरा अभी शहादत का वाकया बयान करने का मौका नहीं है, लेकिन ये बलवाई आए तो इन्होंने अपने एलिगेशन हजरत उस्मान के सामने रखे थे, और हजरत उस्मान ने एक एक इल्जाम का जवाब दिया, उसमें कहीं ये सूरत हाल थी नहीं कि गवर्नरों की वजह से कोई मसला हो रहा है। तो ये तो यानी एक अजीब सी बात है जो शाबान भाई ने कहा कि ये बलवाइयों को बचाने की कोशिश की जा रही है और हजरत उस्मान ही को जो है ना वो इसमें इसमें मुलजिम करार देने की कोशिश की जा रही है कि तुम यूं करो, कत्ल का इल्जाम मुझी पर रख दो। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, और ये पूरी तारीखी जो रिवायात हजरत उस्मान के बारे में मौजूद है उसके खिलाफ है। और भी कुछ इल्जाम इंशाल्लाह उस पर मैं बात करूंगा आगे। जी इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर शेख। हम तीसरी क्लिप प्ले करते हैं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकअल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।